हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपकी ईशा आपके सामने फिर से आई है और बहुत बड़ी गुड न्यूज के साथ। सोच सकते हैं क्या गुड न्यूज हो सकती है, अगर आप बॉय हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप गर्ल हैं तो भी। जी हाँ, सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या होती है, तो हम बहुत मोटे तो पतले हो जाए, अगर बहुत ज्यादा सूखे हुए तो थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगे, ज्यादा प्रेजेंटेबल से लगे। दूसरी चीज, सबसे गंदे और बुरे होते हैं हमारे बाल। आप लोग बालों को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो वैक्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत पेनफुल होता है लेकिन करवाना पड़ता है। बॉयज भी यही करते हैं। पहले का टाइम नहीं रहा कि बॉयज की बॉडी पे हेयर्स हो तो अच्छे लगेंगे, आजकल बॉयज भी हैंडसम दिखना चाहते हैं, अट्रैक्ट चाहते हैं कि लड़कियां अट्रैक्ट हो। ऐसी गर्ल्स भी चाहती है कि हम भी बहुत अट्रैक्टिव दिखें, अच्छी दिखें। लेकिन वैक्सिंग कराने के बाद क्या होता है, वैक्सिंग तो करवाते हो, इतना पैसा भी खर्च करते हो, इतना टाइम भी निकालते हो, और पेन सहने के बाद भी आपके बाल दोबारा से आ जाते हैं। रेजर में भी यही होता है, अगर आप रेजर यूज करते हो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हटाने के लिए, प्राइवेट पार्ट को या बॉडी पार्ट के हेयर्स को अगर आप रिमूव करते हैं, तो रेजर करने से वो हेयर ग्रोथ बहुत हार्ड हो जाती है और इनग्रोथ हेयर भी आने लग जाती है। साथ में बार बार रेजर करने का झंझट, कहीं बाहर जा रहे हो तो कैरी करो। या हम तीसरी चीज क्या यूज करते हैं, रिमूवेबल क्रीम। जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है वो क्या करती है, कैरी करना तो बहुत आसान है, रिमूव करना भी बहुत आसान है, लेकिन उसका रिजल्ट इतना बुरा होता है, हमारी स्किन पूरी काली कर देता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने भी यूज करा तो आपके पास आपके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए होंगे मेरी तरह, कि बहुत गंदा उसका रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, कोई ऐसी चीज है मेरे पास जो आपके हेयर रिमूविंग जब आप कर लेंगे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रोथ रिडक्शन हो जाएगी और परमानेंटली धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। मतलब जो आपके जितने भी हेवी हेयर्स हैं वो खत्म होके बेबी हेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने लग जाएंगे। है ना कमाल की चीज, बहुत कम पैसे खर्च करने हैं, पेन भी नहीं होगा। ऐसी चीज आपने सुना होगा आज तक, लेजर थेरेपी, जो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। मैं तो एटलीस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं जिनके लिए मैंने सोचा कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। मुझे सोल्यूशन मिला तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर भी करना चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसी ही चीज बताऊंगी जो 100% नेचुरल है, बहुत महंगी नहीं। एटलीस्ट आप जो हर मंथ हफ्ते में 15 दिन में आपको जाना पड़ता है पार्लर, आधा आधा घंटा एक एक घंटा निकालना पड़ता है, इतना पेन होता है, या रेजर करते हैं तो कटने का डर रहता है, और साथ ही साथ क्रीम से ब्लैक होने का डर, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप इसको यूज करेंगे आफ्टर वैक्सिंग या हेयर रिमूवर के बाद। तो ये लोशन आपके हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो देरी किस बात की, अगर आप भी एक्साइटेड है इतने ज्यादा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ में छोटा बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये है, ये आपके ज्यादा प्राइस को भी बचाएगा, यानी आपकी जेब खर्ची को भी बचाने वाला है। आप पॉकेट मनी अपने कई ड्रेसेस में भी लगा सकती हैं और या मेकअप में भी लगा सकती है। मैं तो बहुत शौक है अपने आप शॉपिंग करने का, मेकअप करने का। तो चलिए थोड़ी ज्यादा बात नहीं करते, मेन बात बताती हूँ आपको। ये आपके हेयर रिमूव करेगा। आप इसका इस्तेमाल अपने फेस पे, अपर लिप्स पे, चिन पे, अपनी बॉडी पे, साथ साथ अपने प्राइवेट पार्ट पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है न्यूड एक्सपोज योरसेल्फ, मींस बिंदास होके बाहर जाइए न्यूडली, मतलब आराम से कोई भी ड्रेसेस पहनी और आपको वैक्सिंग की टेंशन नहीं। एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज लगाया और कल से बाल आने बंद हो गए, ओए होए फिर तो ऐसा पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन असर करेगा, लेकिन थोड़ा देर, पेशेंस आपको रखने होंगे, पेशेंस आपको रखने होंगे। अगर आप इसका जैसे एक महीने में आप एक बार वैक्सिंग करवाते हैं, या रेजर तो खैर बहुत जल्दी ग्रोथ कर देता है, वैक्स अगर आप एक महीने में करवाते हैं तो एक महीने की जगह आपके जो बाल हैं वो आपको दो महीने में करवाना पड़ेगा। उसको स्टार्टिंग 2 months आपको उसको यूज करना पड़ेगा, 1 month के बाद ही। इनफैक्ट 1 month मैंने खुद यूज करा है, मेरे 50-60% हेयर्स में डिडक्शन आ चुका है, जो मेरे वैक्सिंग के बाद 1 week बाद थोड़े थोड़े हेयर्स निकलने स्टार्ट हो रहे थे, 20 days में या 25 days में आने लग जाते थे, उसकी मैंने ग्रोथ देखी है 50-60% कम हो गई है। मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। पहले आपको अपने हेयर्स को रिमूव करना है, वैक्स करना है, या क्रीम से किसी चीज से भी रिमूव कर लीजिए, या रेजर जो आप यूज करते हैं उसका करिए इस्तेमाल। उसके बाद इसको इस्तेमाल करिए अपने एज अ मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इसका इस्तेमाल 5 दिन तक करना है कंटिन्यूस, दिन में 2 बार, सुबह नहाने के बाद। अगर आप बाहर नहीं जा रहे, एक्सपोज नहीं कर रहे अपनी स्किन को तो लगा लीजिए, अगर डस्ट वगैरह में नहीं जाना, घर पर है तो लगा लीजिए सुबह के टाइम पे, और एक बार सोने से पहले 2 बार। खोल के दिखाती हूँ आपको, लगा के भी दिखाती हूँ। एकदम ऐसे लगता है परफ्यूम रखा हो, इतनी अच्छी पैकेजिंग है। ये है इसकी पैकेजिंग, इस पे सब मेंशन भी है कि परमानेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन करता है, अनवांटेड हेयर्स को हटाता है, और साथ में आपके हेयर रिमूव यानी धीरे धीरे मिनिमाइज कर देगा जो आपकी ग्रोथ होती है, ये आपके बिल्कुल खत्म कर देगा। पेनलेस है, सूटेबल और स्किन टाइप है, लेकिन आपको पैच टेस्ट कर लेना चाहिए, मैं आपको यही कहूंगी। यूज के बाद दोबारा से इसमें फिट करके रख सकते हैं। वैसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए वापस इसमें रख दिया था, ताकि आपको पैकेजिंग पता लग पाए। ये इसका पंप है, ये इसकी बॉटल है, बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। पता है किसी
गंदी सी क्रीम जो होती है ना, हेयर रिमूवल क्रीम, बहुत गंदी स्मेल करती, वैसी नहीं, आपको भीनी भीनी सी अच्छी सा ना एकदम फ्रेशनेस फील होगा इसको लगाने के बाद। तो इसमें सब कुछ मेंशन है। अब आपको मैं स्किन पे अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने। आप इसको पंप करके भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में दिखाती हूँ, पंप से आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखे तो कहीं भी, जहां भी आपको रिडक्शन करना हो, आप इसको जैसे मैंने वैक्स अभी हैंड पे करा हुआ है, आप इसको ऐसे से मसाज करिए अपने हैंड पे अच्छे से। प्रेगनेंस भी आपको अच्छी सी लगेगी देखना, इसकी बहुत अच्छी फील होगी आपको प्रेगनेंस। ऐसे ऐसे मसाज करिए 2-3 मिनट से, तो एब्जॉर्ब नहीं कर जाती स्किन में। एक्चुअली क्या होता है ना, वैक्स के बाद जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, ये हमारे पोर्स के अंदर जाती है और जो हमारे रूट्स होते हैं ना उनको कमजोर कर देती है। जो हमारे रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी उनमें से बाल निकलते हैं हार्ड से और ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो ये रूट में जाके हमारी जो हेयर ग्रोथ है ना उसको बहुत स्लो कर देती है, इतना स्लो कर देगी आपके धीरे धीरे 1 मंथ में आपको उसका बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। सेफ है, 100% नेचुरल है, बार बार बोल रही हूँ, उस चीज को चेक कर लेना, गूगल कर लेना, बहुत अच्छी है क्रीम। आप किसी भी एज में यूज कर सकते हैं, अगर आप अबव 18 है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बिलो 18 आई थिंक अपनी स्किन पे कुछ यूज नहीं करना चाहिए। ये देखिए प्रॉपर एब्जॉर्ब हो गई है, कोई चिपचिपी नहीं है, स्टिकी विकी नहीं है, आराम से एब्जॉर्ब हो गई है। आप इसको लगा के एक बार मॉर्निंग में लगाइए, एक बार रात को लगाइए, लेकिन क्लियर कर देती हूँ आपको वैक्स रेजर या अपने हेयर रिमूव करने के बाद ही उस एरिया में इसको अप्लाई करना है 5 डेज तक। अगर आपने 20 या 25 डेज बाद दोबारा से वैक्स करवाया या रेजर या हेयर रिमूवल क्रीम यूज किया तो देन उसके बाद आप दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5 दिनों के लिए, दिन में 2 बार, हर्बल का हर्बल, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। पैकेजिंग भी आसान है, आप इजीली इसको पंप है, इतना डार्क फॉर्म में है कि आप इजीली अपने लगेज में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगा ना मुझसे पूछेगा, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। लेकिन आपको अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाई तो लाइव सेशन रखूंगी, स्पेशली जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। अपनी बॉडी के हर पार्ट पे यूज कर सकते हैं आप, न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ, 100% सेफ, 100% नेचुरल। पैच टेस्ट कर लेना पहले अपने छोटे से एरिया पे, आपको कोई इरिटेशन, कोई इचीनेस नहीं होती, हाफ एन आवर रख के देखो, देन अपना इस्तेमाल करो और खुश खुश रहो, अपने हेयर को बाय बाय बोलो। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का से कर देना यार, ये तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को भर भर के शेयर करना। अब इतना प्यार देते हो अपनी ईशा को तो मेरी वीडियोस को भी तो प्यार दो ना यार, ये प्रॉब्लम सबकी है, बहुत सारा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।